माननीय प्रधानमंत्री जी, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यगण, सभी राजनीतिक दल के नेतागण, सभी माननीय सदस्यगण, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में मेरे प्रति किए गए आप सभी के समर्थन के लिए मैं हृदय के अंतकंठ से आभार व्यक्त करता हूं। इस चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए, मेरे ऊपर विश्वास जताने के लिए मैं सभी दलों का धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं माननीय प्रोटेम स्पीकर, उनकी प्रोटीम वीरेंद्र सिंह जी, सुरेश जी, मेहताब जी, ब्रजभूषण जी और उनकी पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने दो दिन तक इस सदन की कार्रवाई को बेहतरीन ढंग से चलाया। मैं देश की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं कि लोकतंत्र के इस महायज्ञ में देश की जनता ने पूरी उल्लास, उमंग और उत्साह के साथ इस यज्ञ में आहुति दी। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। हमारे सामने चुनौतियां बहुत हैं और जनता की अपेक्षाएं भी हैं। सदन में जब माननीय सभी सदस्यगण ने अपने अपने विचार रखे, मैं भी 2014 से 19 तक आपके बीच का एक सदस्य रहा हूं। मैं जानता हूं कि लाखों मतदाताओं से विश्वास भरोसे के साथ हम इस संसद के मंदिर में आते हैं और संसद मंदिर में आने के बाद हमारे क्षेत्र की जनता, पूरे देश की जनता का यह विश्वास भरोसा रहता है कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति की बात सदन के माध्यम से करेंगे। और जो सभी दलों ने विश्वास व्यक्त किया है, ये पीठ, ये सभापति की कुर्सी निष्पक्ष होनी भी चाहिए और निष्पक्ष दिखनी भी चाहिए। मेरा प्रयास होगा कि मैं हर माननीय सदस्य, चाहे वह एक दल का हो, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या का हो, और इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम संख्या के बल पर आधार पर नहीं, हम इस देश के अंदर सबको विश्वास को लेकर चलना चाहते हैं। ये देश वो देश है जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और सबसे बड़े लोकतंत्र में होने के बाद जिस तरीके से निष्पक्ष रूप से और पारदर्शिता तरीके से हमारे यहां इस लोकतंत्र के उत्साह को मनाया जाता है, जिस उमंग और उत्साह के साथ तपती धूप के अंदर घंटों इंतजार करने के बाद लोग मत देकर हम सबको चुनकर भेजते हैं, इस विश्वास भरोसे के साथ भेजते हैं कि हम उनके बुनियादी सवालों को उठाएंगे, उनके अभावों को उठाएंगे। और पिछली बार सरकार ने उनके विश्वास भरोसों को कायम रखा और इसीलिए पुनः सरकार को अधिक संख्या बल के आधार पर देश की जनता ने फिर विश्वास भरोसे पाया है, और इसीलिए अब सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि जिस तरीके का विश्वास भरोसा देश की जनता ने सरकार पर व्यक्त किया है, मैं निश्चित मानता हूं सरकार की जवाबदेही ज्यादा बनती है। मेरी सरकार से भी अपेक्षा रहेगी कि वह अधिक जवाबदेही से, अधिक पारदर्शिता से इस देश के अंदर काम करे, ताकि हम एक देश के अंदर मिसाल कायम कर सके। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप सब लोग जो चुनकर आते हैं, आप सबका एक ये मंच, ये लोकतंत्र का मंदिर है,
और आप अपने बुनियादी सवालों को, बुनियादी बातों को जो जनता आपके बीच में कहती है, सदन के माध्यम से देश को भी अवगत कराना चाहते हैं, अपनी जनता को भी अवगत कराना चाहते हैं। मेरा आपसे आग्रह है लेकिन कि कई बार मैं सदन में देखता हूं कि ऐसे बुनियादी सवाल जो केंद्र सरकार के या सदन के अनुकूल नहीं है, उन सवालों को भी संसद में उठाया जाता है। मैं सभी माननीय सदस्यों से कोशिश करूंगा कि हमें लोगों ने संसद सदस्य के रूप में चुनकर भेजा है और संसद सदस्य के चुन के रूप में भेजने के कारण हमें हमेशा वह सवाल उठाना चाहिए जो देश की सरकार के प्रति है। और मेरी सरकार से भी आग्रह रहेगा कि सरकार भी हर माननीय सदस्य का, जो चाहे शून्यकाल में हो चाहे प्रश्नकाल में हो, जवाबदेही के साथ जवाब देगी और आपकी भावनाओं को पूरा पूरा ध्यान रखेगी। मुझे विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भरोसा देश की जनता ने हमें दिया है, आप सब लोग, हम सब के नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर हैं, मेरी भी कोशिश होगी कि मैं आप सबका संरक्षण भी करूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी खुद ने कहा है कि मैं सभी जिन्होंने मुझे वोट दिया, वह भी जिन्होंने नहीं दिया उनमें भी, और सबके विचार धारा अलग हो सकती है, सबकी नीतियां भी अलग हो सकती है, लेकिन हम सब यहाँ सदन में इसलिए आए हैं कि हमारा देश समृद्धशील बढ़े, आगे बढ़े। आज दुनिया के अंदर भारत आगे बढ़ रहा है, दुनिया के अंदर भारत की एक बड़ी मिसाल बनी है। तो हम सबको इस सदन के माध्यम से कोशिश होना चाहिए कि हम संसदीय मर्यादाओं में रहकर जिस तरीके से हमारा लोकतंत्र पूरे विश्व में माना जाता है, हमारी संसदीय परंपरा भी पूरे विश्व में लोग मिसाल कायम रखे, यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि सभी माननीय सदस्य इस जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है, मैं आप सबकी जिम्मेदारी को ठीक से निर्वहन कर सकूं, निष्पक्ष रूप से, निर्बाध रूप से सदन चलाने में आप मेरा सहयोग करेंगे। आप निश्चित मानिए, आप सदन में कितनी भी संख्या में कम होंगे, लेकिन आपके हर बुनियादी बातों को संरक्षण करने की मेरी जिम्मेदारी है, जो मैं निश्चित रूप से निभाने की कोशिश करूंगा। वंदे मातरम।